पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सरकार एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है और काफी धन भी खर्च कर रही है, लेकिन वही दूसरी ओर सरकार के पुलिस विभाग के नुमाइंदे एक ग्रामीण की बेटी के हत्यारों को बचाने में जुटे हैं। मामला कोतवाली भजोई के गांव भरतरा का है। यहां के ग्रामीण युवक के साथ 2 वर्ष पूर्व बदायूं जनपद निवासी ने अपनी बेटी की शादी काफी धन दहेज देकर की थी, लेकिन बेटी के ससुराल भरतरा गाँव वाले दहेज से खुश नहीं थे। इसी बात को लेकर बेटी को मारा पीटा करते थे, लेकिन बेटी के परिजनों ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन आए दिन झगड़ा जारी रहा। एक सप्ताह पूर्व बेटी के मायके वालों को सूचना मिली कि उनकी विवाहित बेटी की तबीयत ज्यादा खराब होने से मृत्यु हो गई है। नव विवाहित बेटी के परिजनों ने ग्रामीणों संग ससुराल जाकर देखा तो बताया गया कि महिला की मौत मुरादाबाद के निजी अस्पताल में हुई है, लेकिन परिजनों को विश्वास नहीं हुआ। दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए कोतवाली भजोई में ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या की तहरीर दे दी। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर शव का पीएम तो करा दिया, लेकिन ससुराल वालों से मिलकर पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं किया। जब ज्यादा जोर अजमाइश की गई तब जाकर मुकदमा दर्ज किया गया। परिजनों का आरोप है कि पीएम रिपोर्ट में गला दबाकर मारने की पुष्टि होने और एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी कोतवाली पुलिस ने अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया है। कोतवाली पुलिस पूरी तरह से ससुराल वालों को बचा रही है, इसी कारण से सैकड़ों लोगों के साथ कोतवाली पुलिस के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन कर घेराव किया गया। देखिए इसमें है कहां लापरवाही, मैं पूरा प्रकरण बता रहा हूं। दिनांक 10 मई को एक 304 बी का अभियोग लिखा गया है, जिसमें कि जो मृतका थी उसकी मृत्यु मुरादाबाद में हुई थी, पोस्टमार्टम मुरादाबाद में हुआ है। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नंबर एक तो अप्राप्त है, दूसरी बात यह है कि उसमें जैसा पता चल रहा है कि अभी विसरा जो है प्रयोगशाला में भेजा जाना है। इसमें एक हाईकोर्ट की रूलिंग है कि जब तक विश्रा परिणाम नहीं आ जाता है, विष नहीं आ जाता है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होगी। अतः लीगल दायरे में पुलिस को जब साक्ष्य मतलब संकलित कर लेगी और ये पाया जाएगा कि मतलब अभियुक्त की गिरफ्तारी की जा सकती है, तभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। पूरी स्थिति को उन लोगों को स्पष्ट